अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी कैरेक्टर, फिर चाहे वो किसी एनीमे का हो या फिर किसी कॉमिक का, उस कैरेक्टर को एक एपिक और स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस क्या चीज प्रोवाइड कराती है, तो आप में से बहुतों का जवाब होगा बैक स्टोरी, जो कि मेरे हिसाब से भी एक बहुत ही लेजिट पॉइंट है। जैसा कि मैं अपनी लगभग हर एक स्टोरी क्रिएशन की वीडियो में कहता हूं कि एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पीछे उसकी स्ट्रॉन्ग और डीप बैक स्टोरी उसकी बैकबोन की तरह होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी कैरेक्टर को इंस्टेंटली व्यूअर्स और रीडर्स का फेवरेट बनाने के पीछे का क्या रीजन होता है, तो आप शायद थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएं। एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी और पर्सनैलिटी बहुत ही बाद की चीजें होती हैं किसी भी कंटेंट में, फिर चाहे वो किसी एनीमे का हो, किसी कॉमिक का हो या फिर किसी मूवी का हो। उन सब में एक कैरेक्टर्स को व्यूअर्स का फेवरेट उसका एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन बनाता है। अगर आप हिडन कैलिबर पर पहली बार आए हैं और आप इस चैनल की ये पहली वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल पर एनीमे, मैंगा या फिर कॉमिक के एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में बात की जाती है और उसी कॉन्टेंट को कैसे लिखना है और आगे कैसे बढ़ाना है उसके बारे में टिप्स शेयर की जाती है। और इसके साथ ही हिडन कैलिबर पर एनीमे से रिलेटेड टॉपिक्स पर भी बात की जाती है। तो अब मैं आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए आपको बस यही बोलूंगा कि नाउ लेट्स एंजॉय द वीडियो। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। किसी भी कंटेंट स्टोरी में एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट उस कैरेक्टर के लिए एक बून और बेन दोनों की ही तरह साबित हो सकता है। अगर आपको बून और बेन का मतलब नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता देता हूँ। बून का मतलब होता है वरदान, जिसे आप सीधी भाषा में अच्छा भी बोल सकते हैं, और इसी का अपोजिट बेन का मतलब होता है बुरा। तो अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि किसी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन उसके लिए बून और बेन दोनों ही बन सकता है, तो इसके पीछे ये रीजन है कि अगर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की आगे आने वाली स्टोरी और प्लॉट इम्पोर्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुए, लेकिन स्टोरी में उसका इंट्रोडक्शन इतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ और वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर की वाइब्स और फील्स को मैच नहीं कर पाया, तो वो उस कैरेक्टर की इमेज को व्यूवर्स के सामने डाउन भी कर सकता है। मेरी इस बात को और क्लियर करने के लिए और आपको सही से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जरा सोचिए कि आपने एक बहुत ही हार्डकोर और एपिक कैरेक्टर लिखा है, आपने एक ऐसा कैरेक्टर लिखा है जो कि रुथलेस और लाउड है, तो आपको उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन इस तरह से करना होगा जहाँ उसकी पर्सनैलिटी स्टोरी में उसके एंट्रेंस को सूट करे। और आप मेरी इस बात को और भी अच्छी तरह से समझ पाए, इसीलिए मैं आपको ड्रैगन बॉल जी के ओल्ड टाइम्स का भी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आपको याद हो तो डीबीजी में जब वेजिटा और नैपा अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपको याद होगा कि वेजिटा और नैपा को एक रूथलेस सेन की तरह दिखाने के लिए और उन्हें एक बैड मैनर में इंट्रोड्यूस कराने के लिए कई बार ऐसे सीन्स भी आए जहां वेजिटा किसी एलियन के हाथ को डिनर की तरह से कंज्यूम कर रहा था। व्यूवर्स को एक कैरेक्टर कितना पसंद आने वाला है ये पूरी तरह से उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी पर डिपेंड करता है, लेकिन कैसे वो कैरेक्टर व्यूवर्स का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेता है ये उस कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन और अपीयरेंस से डिसाइड होता है। अगर आप एक मैंगा और कॉमिक की स्टोरी लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपनी स्टोरी में आप एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराएं, लेकिन आपको सही पैटर्न और तरीका नहीं पता है, तो मैं पहले तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने उस कैरेक्टर को जिसे आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं उसका एक पर्सनैलिटी स्केच बना लीजिए। और पर्सनैलिटी स्केच से मेरा मतलब है कि आप उस कैरेक्टर के बिहेवियर और चॉइसेस को एक जगह लिख लीजिए। ऐसा करने से आपको अपने उस कैरेक्टर के बारे में पूरी नॉलेज होगी, आपको ये पता होगा कि आपका वो कैरेक्टर बिहेवियर में कैसा है। एक पर्सनैलिटी स्केच में आप उस कैरेक्टर की चॉइसेस, वीकनेसेस, इमोशंस, डेप्थ्स, इनसिक्योरिटीज और भी इनके जैसी कई सारी चीजें लिख सकते हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी को एक अलग ही रूप दे दें। अब आपके इतना लिखने के बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक क्वाइट और डीप कैरेक्टर को क्रिएट किया है जो कि अक्सर चुपचाप रहता है और अब आपको उसे स्टोरी प्लॉट में इंट्रोड्यूस कराना है, तो आप उसकी इंट्रोडक्शन को एक सिंपल तरीके से भी करा सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर एक क्वाइट और डीप पर्सनैलिटी रखता है तो उसे उसकी मैचिंग पर्सनैलिटी की तरह ही इंट्रोड्यूस कराना सही रहेगा। और वहीं उसकी दूसरी तरफ अगर आपका कैरेक्टर एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ साथ एक एरोगेंट पर्सनैलिटी रखता है, तो आप उसे एक बैंग के साथ या फिर मैं कहूं आप उसे एक स्ट्रॉन्ग और डार्क इंट्रोडक्शन के साथ भी ला सकते हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि किसी भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराने से पहले आप उसके बारे में पहले से ही थोड़े बहुत हिंट दे दें और उस कैरेक्टर को स्टोरी में एक प्लान्ड प्लॉट के हिसाब से ही इंट्रोड्यूस कराएं। बिना किसी रीजन और मोटिव के एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना स्टोरी के लिए एक बैड चैप्टर प्रूव हो सकता है। कभी भी किसी कैरेक्टर को बिना ओरिजिन और बैक स्टोरी के इंट्रोड्यूस मत कीजिए। एक बहुत ही फेमस कोट है जिसे आपने भी बहुत बार सुना होगा और वो है द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपकी स्टोरी चाहे कितनी भी यूनिक और अमेजिंग क्यों ना हो, अगर उसके कैरेक्टर्स और उन कैरेक्टर्स का स्टोरी में इंट्रोडक्शन अगर सही से क्रिएट नहीं हो पाया, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी स्टोरी से व्यूअर्स और रीडर्स का इंटरेस्ट खत्म होने लगे। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, आपको अपने कैरेक्टर की पर्सनैलिटी और स्टोरी में उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही उसे इंट्रोड्यूस करना है। इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैंने एग्जांपल दिया। आपको ये देखना होगा कि इन द एंड ये आपकी कंटेंट स्टोरी है
और आपसे ज्यादा अच्छी तरह इसे कोई नहीं जानता। तो आप भी अपनी तरफ से नए नए तरीके डिस्कवर करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि विदाउट एक्सपेरिमेंट्स वी कांट क्रिएट एक्सीलेंस। जितना हो सके नई नई बुक्स और नॉवेल्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, अलग अलग तरह के क्वालिटी कंटेंट पर एक बैलेंस्ड टाइम स्पेंड कीजिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि यही चीजें आपको और बेहतर बनाएंगी। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जिनसे एक न्यू कैरेक्टर को आप अपनी मैंगा या कॉमिक स्टोरी में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो में कुछ गलत बोल दिया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो और चैनल का कंटेंट अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच।